कैंट के कई फॉरेस्ट रेंजर अपनी जान हथेली पर रख जंगल की कीमती धरोहर को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पीपल पड़ाव जंगल रेंज से सामने आया ये वीडियो इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। उत्तराखंड के पीपल पड़ाव रेंज के जंगलों में रेंजर आर एन गौतम को लकड़ी काटने और उसकी तस्करी की लगातार सूचना मिल रही थी और फिर जब जंगलों में लकड़ी माफिया को रंगे हाथ दबोचने के लिए वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन लकड़ी तस्कर चलाया तो फिर बेखौफ और बेलगाम लकड़ी तस्करों ने वन कर्मियों की टीम पर गोलियां बरसा दी। उत्तराखंड के वन कर्मियों से ही बेखौफ लकड़ी माफिया लोहा लेने लगे। आमने सामने की फायरिंग हो गई। पीपल पड़ाव रेंज के जंगल में तकरीबन 30 राउंड फायरिंग हुई, लेकिन जब पीपल पड़ाव जंगल के वनकर्मी डटे रहे और क्रॉस फायरिंग की तो लकड़ी माफिया जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस ऑपरेशन में 4 वनकर्मी घायल तो हो गए, लेकिन लकड़ी माफिया को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लकड़ी तस्करी बेधड़क की जा रही है। लकड़ी तस्करी की घटनाओं में कई बार उत्तराखंड के कई भ्रष्ट वनकर्मी भी लिप्त पाए गए हैं, लेकिन फिर भी लकड़ी माफिया सक्रिय है। किसकी शहर से लकड़ी तस्कर उत्तराखंड के जंगलों को काट रहे हैं, ये फिलहाल सवाल ही बना हुआ है। जंगल के अंदर कैसे पेड़ काटने के बड़े बड़े औजार पहुंच जा रहे हैं? कौन है जंगल के दुश्मनों का दोस्त? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार कीमती लकड़ियों की तस्करी हो कैसे रही, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जाने पर पाबंदी अगर है तो लकड़ी तस्करी कैसे हो रही है, सबसे पहला सवाल है जो प्रश्न खड़े होते हैं ये तस्वीरें सामने आने के बाद। लकड़ी काटने वाले औजार के साथ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसे में उस औजार के साथ तस्कर एंट्री कैसे कर ले रहे हैं प्रतिबंधित एरिया में? जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉलियों को प्रवेश कौन दे रहा है, किसकी इजाजत से ये प्रवेश हो रहा है? क्योंकि प्रतिबंधित एरिया है तो ऐसे में उनकी एंट्री कैसे हो जा रही है इतने बड़े बड़े वाहनों के साथ? चौथा सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में सभी आरा मशीनों की जांच पड़ताल हो रही है? क्योंकि अगर हो रही होती तो बिना हुए ये यहां कैसे पहुंच जा रही है जंगलों में? पांचवा सवाल यह है कि आरा मशीनों पर सिर्फ निगम की लकड़ियों की चिराई हो रही है या फिर अंदर खाने या अवैध काम भी चल रहा है? क्योंकि यहां से जब लकड़ियां कटती हैं तभी आगे बढ़ती हैं, तो क्या अंदर खाने कुछ और भी चल रहा है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। छठा सवाल आपके सामने अब रख देते हैं, उत्तराखंड के भ्रष्ट वन अधिकारियों के खिलाफ क्या वक्त आ गया एक्शन का? क्योंकि कहीं ना कहीं मिली भगत है, अंदर खाने सेटिंग चल रही है और यही वजह कि यह खेल चल रहा है, ऐसे में क्या अब एक्शन का समय आ गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सातवां सवाल जो खड़ा होता है इन परिस्थितियों में कि उत्तराखंड में लकड़ी माफियाओं को किसका संरक्षण मिला हुआ है? क्योंकि सब कुछ होने के बाद, सजा का प्रावधान होने के बाद, जुर्माने का प्रावधान होने के बाद, ये कैसे चल रहा है खेल? ऐसे में किसी का तो संरक्षण है, कौन है वो, क्या उसकी पहचान अब यहां पर जरूरी नहीं? आठवां सवाल जो खड़ा होता है इन परिस्थितियों में, लकड़ी तस्करी से 400 करोड़ के नुकसान का जिम्मेदार अब कौन होगा? क्योंकि बहुत भारी नुकसान, ये महंगी लकड़ियां, सागौन की, देवदार के जो पेड़ हैं, इन्हें काट काट के जो पैसों की उगाही का खेल है वन माफिया वन तस्कर कर रहे हैं, उससे नुकसान तो सरकार को ही हो रहा है, उसकी नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? नवा सवाल जो खड़ा होता है वो अब आपके सामने रख रहे हैं, उत्तराखंड से लकड़ी तस्करी कर आखिर पहुंचाई कहां जा रही? क्योंकि उत्तराखंड में इसे नहीं खपाया जा रहा है, इसे अलग अलग इलाकों में देश के पहुंचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सहारनपुर से आगे तक पहुंच जा रही, उधम सिंह नगर जो है सहारनपुर से लगा हुआ है, तो आखिर कहां कहां तक इसकी सप्लाई हो रही है, कैसे हो रही है, चोरी छिपे हो रही है, उसको लेकर भी बहुत प्रश्न खड़े होते हैं। दसवां और आखिरी सवाल जो हम खड़े कर रहे हैं इस घटना के सामने आने के बाद, कि आखिर उत्तराखंड में कब रुकेगी जंगल से लकड़ी की तस्करी? क्योंकि पर्यावरण को भी इससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है, सिर्फ पैसे की भी बात नहीं है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे में ये सवाल है जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार को भी सोचने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हरियाणा में सियासी दंगल की, जो एक अलग मोड़ पर जाता दिखाई दे रहा है।
दिनेश फोकाट, बजरंग पूनिया ने पार्टी को ज्वाइन किया। ये लोग कहते हैं कि मैं लड़कियों के स्वाभिमान की लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, झूठ। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में थी। आंदोलन खिलाड़ियों का नहीं है, इसमें भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलन को सपोर्ट कांग्रेस कर रही है। तो हरियाणा चुनावों से पहले ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। एक को टिकट मिला है तो एक को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जब उन पर आरोप लग रहे थे तभी से कहते आ रहे हैं कि ये कांग्रेस की स्क्रिप्ट है, ये तैयारी कांग्रेस की है, ये साजिश कांग्रेस की है। इन तमाम आरोपों के बीच जब ये तस्वीरें, शामिल होने की तस्वीरें सामने आई तो ब्रजभूषण शरण ने अपनी बात को दोहराया और कहा कि जो मैं कह रहा था वही होता दिखाई दे रहा। आरोप क्या लगाए ब्रजभूषण शरण सिंह ने, सबसे पहले वो आपको डिटेल में बता देते हैं। कांग्रेस ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। विनेश के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, ये तब भी उन्होंने कहा था और अब वो दोहरा रहे इस बात को। और अब साफ हमारे खिलाफ साजिश हुई है, ये राजनीति के लिए आंदोलन कर रहे थे। जो आंदोलन हुआ था आपको याद होगा 18 जनवरी 2023 को जंतर मंतर पर, उसका जिक्र यहां ब्रजभूषण शरण सिंह करते दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, हुड्डा परिवार ने यह षड्यंत्र रचा था, हुड्डा परिवार का जिक्र कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा षड्यंत्र में शामिल थे। ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि राजनीति के लिए यहां बेटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं था और दो साल से मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह जिस दिन से आरोप लगाए गए थे यही बात दोहराते दिखाई दिए थे और आज फिर उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा है कि अब पूरा षड्यंत्र लोगों के सामने आ चुका है। आंदोलन को फंडिंग की गई थी, फंडिंग के भी आरोप लगा रहे, गलत आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश हुई। विनेश कांग्रेस के षड्यंत्र का चेहरा है, विनेश बजरंग को उसी का इनाम दिया गया। जिस तरह से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जलाना से टिकट दे दिया गया विनेश फोगाट को, वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है बजरंग पूनिया को, जल्द ही कोर्ट इंसाफ करेगा। ब्रजभूषण शरण कोर्ट पर भरोसा करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ये कहते आए, दोहराते आए शुरुआत से ही कि साजिश हुई है, स्क्रिप्ट यहां पर लिखी गई है। ये तमाम बातें उन्होंने कही और रिपब्लिक भारत ने इन तमाम सवालों पर उनसे तफसील से बात की है, सुनवाते हैं आपको। ब्रजभूषण जी, आप क्योंकि आप ये लगातार पहले से कह रहे थे कि पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, क्या वो स्ट्रेटजी यही थी? 18 जनवरी को एक धरना प्रारंभ होता है और मांग शुरू होती है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष यानी ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा हो। मैं पहलवानों से बातचीत करने की कोशिश करता हूं, जब बातचीत नहीं करते हैं तो मैं दिल्ली के लिए रवाना होता हूं लखनऊ से। एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे पता चल जाता है कि इन्होंने मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने घर पहुंचता हूं और जब मौका पाता हूं तो अपनी बात रखता हूं। और उसी समय मैंने अपनी बात रखी थी कि ये आंदोलन खिलाड़ियों का नहीं है और